इस शो की एक झलक देख लेते हैं, ट्रेलर देखते हैं और फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स हैव द ट्रेलर। और अब मैं आपका तारुफ करवाता हूं उन लोगों से जिन्होंने एक खूबसूरत दुनिया रची है और उसके हिस्सा बने हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द क्रिएटर एंड द डायरेक्टर ऑफ द शो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बलविंदर सिंह जंजुआ जी के लिए, अलोंग विद द आइकन ऑफ पंजाबी सिनेमा सुविंदर विक्की जी, विद द स्टनिंगली ब्यूटीफुल असली कौर सर। वेलकम वेलकम आई स्लीट, वेलकम वेलकम टू द शो। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम टू फाइनली टेक द कैब आउट ऑफ द बैग, गिव इट अप फॉर द वन एंड ओनली रदी हुडा। ऐसा लग रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज देखते ना तो यू जस्ट गेट अवर्ड बाय इट। आई थिंक बहुत कमाल गया। सबसे पहला आई थिंक सबके मन में यही सवाल है कि ये जो इंस्पिरेशन आई है, क्योंकि पहले तो इसका मतलब बता देते हैं, क्योंकि मेरे को भी कल रात को पता लगा कि कैट का मतलब क्या है। तो कैट का मतलब हुआ है जो अंडरकवर एजेंट है, डबल एजेंट, राइट? तो सर अब जो डबल एजेंट है उसकी तो आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं होती होगी, तो ये आपको इंस्पिरेशन कहां से आई, किसी से मिले, कहीं आप डबल एजेंट थे अपनी लाइफ में? सच्ची चीज बताओ। पहला गलती सारे में सत श्रीकाल। इंस्पिरेशन यार कहानी थी, देखी मैं मिला सी दो चार बंदे। अच्छा, मैंने जो तुम्हें अपनी कहानी दसी थी, आप इंसर्जेंसी के टाइम से पुलिस वास्ते काम करते सी, ते बाद उन्होंने आइडेंटिटी मैं नया पिंड नई जगह हर जगह नहीं सेटल करते होंगे, तो उन्होंने कैट कहते होंगे। अपने घर वाले भी दूर रह के फिर अपनी जान का भी खतरा है, घर वाले की भी जान का खतरा है, तो किस तरह फिर सारी इंफॉर्मेशन दुनिया जहाँ पर the character is basically living a different life altogether, somewhat similar to what actors are, ke alag zindagi jee rahe hote hain than they normally are, some hai na. what made you take up the project, what was the best thing, aapko sabse kya khaas laga kahani mein? Director to hi acche, matlab nahi balli sorry balvinder singh jandua se saath mein picture kar chuka tha jiska naam tha tera kya ho gaya abhi, usne bahut maza aaya काम करने में, तो एक वो फैक्टर था। और इसमें को प्रोड्यूसर मेरी मैनेजर और मेरी बहुत अच्छी दोस्त पंचानी चक्रवर्ती हैं, और स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था, और दो पंजाब में जो दो बुरे दौर रहे हैं उन दोनों को बैकड्रॉप में रख के एक दो भाइयों की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो करने का मन किया। असली मिस इंडिया अर्थ से इतना अर्थी रोल, मतलब अक्सर होता है ना लड़के होता है कि मुझे तो बहुत सारे नाच गाना, I'm assuming that you would like, you know, कि होता है कि बहुत ग्लैमरस रोल, सो गेटिंग इनटू अ डी ग्लैम जोन ऑल टुगेदर। सारे में सत श्री अकाल। आई एम अ डी ग्लैम पर्सन इन रियल लाइफ आल्सो, मतलब मैं ताज पजामे या वैसे वाल बन के इधर उधर घूमनी हाँ, मैं ज़्यादा ग्लैमरस नहीं हूँ। आई प्रेफर टू बी इन अ वेरी नॉर्मल स्टेट, वो अभी इसके लिए पूरा करना पड़ता है, बट बबीता के कैरेक्टर के लिए भी इट वॉज सपोज टू बी, इट वॉज अ वेरी सिंपल ब्रीफ, वी हैड डिस्कस्ड इट ऑल्सो,
एंड पहले दिन रणदीप सर के साथ जब शूट हुआ था तो रणदीप सर ने भी बोला था कि इट वॉज सपोज टू बी वेरी 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 बेसिक यू नो जस्ट द वे आई वाज एंड दैट वाज इजी टू डू इट वाज नॉट टफ एट ऑल दिस इज टफ दिस इज अच्छा ये टफ है ठीक है सर आपका तजुर्बा कैसा रहा व्हाट हैज बीन योर जर्नी टू कैट गुड आफ्टरनून सत श्रीकाल जी सारे तजर्बा एज एन एक्टर बहुत बढ़िया रहा बिकॉज काम है तो अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं बट कैट स्पेशल इसलिए है कि मतलब एक कमर्शियल लेवल पे जो नेटफ्लिक्स के लिए करना राइट सो दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट and I'm really thankful to guys Bulvinder ji ke jinhone ye mauka diya ki kirone matlab is kirdar ke liye mujhe suitable samjha jab hamari baat cheet ho rahi thi to kahani batayi unhone to mujhe laga ki yaar ha thoda ja hunda ki punjab ch rehn karke hari touches li kar diye kyunki assi insurgency de time matlab young age de vich si ke वो चीज़ें चाहे हटाइया नहीं शरीरिक रूप से नहीं हटाइया या मैंटली नहीं हटाइया बट कितने ना कि बुजुर्गों तो या बुरखियों तो ये चीज़ा सुनिया सीगिया कि इदा करके चीज़ा हुई हैं सो उस टाइम को अगर परफॉर्म करने का क्योंकि एक्टर के एक्टर ही एक एज एन एक्टर जब आप पढ़ते हो तो आपके पास पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप कभी वकील बन सकते हो राइट अभी डॉक्टर बन सकते हो आप कुछ भी बन सकते हो कॉस्ट्यूम पहनना है और आपको परफॉर्म करना है ओ थोड़ा जहा सीगा कि यार हाँ मतलब ये कुछ ऑथेंटिक चीज है राइट जिस जिदे बारे सी चीजा सुनिया सी या कर कीतियां एंड देन वो ही होता कि थोड़ा बहुत जो एक्टर ने काम करना होता है कि उसके बैकग्राउंड में जाना देन वो चीजें सुन के एक बार तो निकल जाती हैं लेकिन जब ये फिर मौका आता है कि फिर आपको वो चीजें दोबारा जहन में लेके आनी पड़ती हैं फिर वो सारी मीटिंग्स और सब जो काम है वो करना पड़ता है So it was great experience working in CAT with Randeep, Sri, Bulvinder ji and the sari team. Great.